नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पद यात्रा निकाला गया। इस विषय में खगड़िया जिला के विधायक छत्रपति यादव जी क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। जब से गद्दी पर बैठे हैं देश की स्थिति बहुत बदतर हो जा रहा है, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र हो या महंगाई के क्षेत्र, जनता और उनके परिवार दोनों से त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सम्मेलन करके पदयात्रा करके मोदी सरकार के खिलाफ में आंदोलन उत्पन्न कर रहा है और उनकी हमारी मांग है कि जो महंगाई कमर तोर बढ़ रही है उसको कम किया जाए, और कम नहीं करते तब गद्दी छोड़ते। दिन रात मीडिया और अखबार उन्हें छापते हैं, जो बड़े नेता बोलते हैं उनकी बात सिर्फ छापते हैं, उसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है अपने से पूछते नहीं हैं। हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वो कहते हैं हम महंगाई हटाएंगे, पेट्रोल दाम कम कर दिया, डीजल दाम कम कर दिया, फिर दो दिन बाद बढ़ जाता है, गैस का दाम बढ़ रहा है, जो बढ़ता घटता नहीं है। तो गरीब आदमी मान लीजिए गैस पर खाना बना रहा है, रोज़ उसको 25-50 रुपये बढ़ाइएगा, कहाँ से देगा। सब्जी की दाम बढ़ गई, प्याज की दाम बढ़ गई, तेल की दाम बढ़ गई, जो दैनिक जीवन की जरूरत मतलब हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल दाम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक गैस सामान ढोने वाला गाड़ी का भाड़ा बढ़ेगा। जब भाड़ा बढ़ेगा, जो आम आदमी 10 रुपये किलो आलू खरीदता 20 रुपये खरीद रहा है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध हैं कि मोदी सरकार से लेकर बैंकों को बैंकों का जो निजीकरण हो रही है और टेलीकॉम कंपनी के दाम जो बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बैंकों का निजीकरण तो आप याद है, जब इंदिरा गांधी आई थी सारे बैंकों राष्ट्रीयकरण किया था। फिर क्या कारण है देश में जो बैंक आप निजीकरण कर रहे हैं, जनता कभी सरकार से पूछ नहीं रही है। आप बहुत से अच्छे अच्छे बैंक को आप ऐसे ऐसे बैंक मिला दिए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। इलाहाबाद बैंक अपने आप में नामी बैंक था, उसको आप इंडियन बैंक मिला दिया, इंडियन बैंक मिलाने को उचित नहीं था, उसका सम्मान कम कर दिए। अब फिर करते बैंक को निजीकरण करेंगे तो जो हम गरीब आदमी को जो पैसा जमा है अचानक निजीकरण किया वो पैसा फंस जाएगा, बाद में कहेगा हम इतना ही पैसा देंगे। निजीकरण का नीति सरकार को अपनाना चाहिए, जो राष्ट्रीयकरण हो गया फिर निजीकरण नहीं करना चाहिए। चाहे बैंक का सेक्टर हो, चाहे रेल का सेक्टर हो, चाहे जहाज का सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम का सेक्टर हो, सारे जगह एक षड्यंत्र करके पूंजीपतियों का हाथ में सब देश को बेचना चाहते हैं। सर, हमारा यहाँ डबल इंजन सरकार चाहे तो अपना टैक्स वापस ले ले, दाम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब टैक्स वापस नहीं ले रहे हैं तो जो दाम मान लीजिए है बढ़ते रहेगा, सरकार के पास राइट है, लेकिन टैक्स कम करेगा तो इसका राजस्व कमी हो जाएगा। आप एकदम शराब बंद कर दिए, शराब के नाम पर लोग रोज पकड़ रहे हैं, जो उसमें लाखों करोड़ आदमी काम कर रहा था वो बेरोजगार हो गया। आपने सोचा नहीं उसके परिवार का बंदोबस्त क्या करें? तो सरकार सिर्फ कहता हम करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाले उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। सर बात जी, उसका कहीं ना कहीं तो आपको हानिपूर्ति करना पड़ेगा। आप जनता को पकड़ते हैं, फाइन करते हैं, जो शराब कारोबार में जितने परिवार और इंडस्ट्री लगा हुआ था बिहार में अचानक बंद कर दी, क्या होगा? मोदी जी गुजरात के हैं, गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्ति को शराब मुहैया कराया जाता है। बिल्कुल, आप यहाँ जो गरीब लोग पकड़ रहे हैं, अमीर तो कोई पकड़ नहीं रहे हैं, बड़े लोग रोज खा पी रहे हैं। आप कहिएगा तो कहेगा नाम बताओ कौन खा पी रहा है, आप खा बताइएगा नाम, कौन पता जाएगा। अभी कुछ दिन पर नशा मुक्ति पर काम किए, सारे जो लोग थे करते थे गलत काम कर रहे हैं, जब सरकार कड़ा हो गए सब लोग मिलकर कहते हैं नशा मुक्ति होना चाहिए। ये तो हमारे सर सर एक था कि आप जीना सीखिए। जी 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 जी, जो आदमी डेवलप कर गए उसको आप कहते हैं HIG, हाई इनकम सोर्स वाले ग्रुप वाले, जो मिडिल में है उसको कहते हैं MIG मिडिल इनकम ग्रुप, और जो लोग गरीब हैं उसको कहते हैं LIG। ये तीन कैटेगरी जैसे बांटा गया है। तो जो LIG में निवास करने वाले व्यक्ति ने उसको नियम पता नहीं, कानून पता है, वो आप पे विश्वास करता है, आपने कहा पी लो, आगे पुलिस को पकड़ लिया, पुलिस को TRP बढ़ाना है, वो लिखेगा इतना पकड़े हैं। अमीर आदमी के पास संसाधन है, पैसा है, अप्रोच है। आज मान लीजिए आप अंबानी की बात कीजिए, अंबानी हो और उसका भाई मान लीजिए, जो दोनों हमें जो देश में चला रहे हैं उसके अंदर हजारों आदमी आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको कौन पकड़ने जाएगा? गरीब आदमी के पास काम कहाँ मिलता है? 5 दिन बाजार बंद कर दिए कोरोना में, सब सब्जी लम रहा था जी, 40 साल हो गया अभी तक व्यवस्था नहीं हो रही है। कई सिस्टम ऐसा है जिस पर हम और आपको पत्रकार बंधु को हेलो मिलकर लगना पड़ेगा। जो ये पदयात्रा खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी की है, इस पदयात्रा बेतहाशा महंगाई के खिलाफ, चूंकि इस बेतहाशा महंगाई में सभी लोग से त्रस्त हैं, इसलिए हम लोग ये आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग बेतहाशा महंगाई के खिलाफ आज पदयात्रा किए हैं। और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में वो अपने बहन प्रियंका गांधी के साथ बेतहाशा महंगाई के खिलाफ पदयात्रा कर रहे हैं। पूरे देश में
उनके संदेश गया है। हम सभी कांग्रेस जन आम आवाम की आवाज़ को लेकर के, महंगाई है, बेरोजगारी है, हमें काला बाजारी है, सभी को लेकर के हम लोग आज सड़क पर हैं। और चूँकि हम लोग भाजपा भगाओ और महंगाई हटाओ, कांग्रेस लाओ देश बचाओ, हम लोग ये लेके चल रहे हैं। देश के गद्दी में अपराधी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं, देश के लोग जिसको तड्डी पार कर दिया गया, आपराधिक मुकदमा हुआ, वो जेल में रहा, वैसे आदमी आज इस भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। अभी आप देखिए लखीमपुर में जो घटना हुआ कुछ दिन पहले, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम किसान कर आंदोलन कर रहे किसानों को कुचल दिया, उसके दो दिन पहले एक सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस टेनी भी उसको बोलते हैं जी, जी। वो चैलेंज किए कि दो मिनट में हम किसानों के आंदोलन को ध्वस्त कर देंगे, उन्होंने चैलेंज किया और दो दिन के बाद किसानों पर उनका बेटा जीप चढ़ा के उन्हें कुचल दिया। ये तो स्थिति है और भाजपा उसको लिपापोती करने में लग रही है, सारा विपक्ष आज उस केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है ये समझने की इच्छा। कांग्रेस में अगर कोई मंत्री को कांग्रेस राज में अगर कोई आरोप लगता था तो सुबह आरोप लगता था, शाम में इस्तीफा देता था, उस पर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करती थी। अगर वह जांच में निष्पक्ष जांच में अगर वो निर्दोष साबित हुए तो पुनः उन्हें लिया जाता था, नहीं तो उन्हें बर्खास्त किया जाता था। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस। देश में घटनाएं होती रहती है, लोग कुछ जान पाते हैं। और आपने सवाल किया कि पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की गई, वो तो पूरा देश देख रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी, इन्होंने खुलेआम पत्रकारों को सवाल करने पर फैट चलाया, धक्का मुक्की किया, ठोठा पर हाथ दिया, उनका कुछ लोगों ने उन्हें रोका, नहीं तो यहाँ तक कि वो मार बैठते, कुछ भी कर बैठते। ये तो स्थिति है, उसको भी भाजपा की सरकार लिपापोती कर रही है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए आने वाला समय इनको माफ नहीं करने वाला है, जितना कुकर्म करना है भाजपा की सरकार को वो कर ले, लेकिन आने वाले समय में ये जनता उसे माफ नहीं करेगी। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता कालाबाजारी से त्रस्त है, जनता इनके कार्यकाल में जो भी आतताई हुई अराजकता हुई है उससे त्रस्त है। क्या भानु प्रताप और गुड्डू पासवान जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस।